नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 16 अप्रैल 2020 16 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसका ये चैनल को मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, मेरा बाय सेल लेवल और मेरा चार्ट का सेटअप स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करता है। तो उसका आप लोग को डिसीजन लेने के लिए सुविधा होगा कि आप लोग वेबिनार मतलब ट्रेनिंग या कॉल सर्विस लेंगे कि या नहीं लेंगे। तो आप लोग को बहुत ही मतलब बेनिफिट होगा। और इसके अलावा मैंने हर रोज बाय सेल लेवल्स, बहुत सारा बाय सेल लेवल्स, गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स ऑफ इक्विटी लेवल, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ। इक्विटी बैंक निफ्टी निफ्टी सॉरी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बहुत सारा बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ जो आप लोग को नेक्स्ट डे में ट्रेड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली आप लोग बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान कर देगा। और आप लोग और भी मैंने बहुत सारा चीज़ अपलोड करूँगा, यूट्यूब वीडियो करूँगा, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं जो वीडियो जितना सारा मेरा जो चैनल है और मेरा जो मैं जो जितना सारा वीडियोस बनाता हूँ ये भी ओनली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस है। तो आप लोग किसी भी इन्वेस्ट करने का और ट्रेड करने के लिए आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। तो देखिए, मैंने ये निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का डेली चार्ट इधर ओपन किया हूँ, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया हूँ। तो देखिए, ये आज एक लॉन्ग मतलब एक सॉलिड बॉडी कैंडल, एक बियरिश कैंडल बना है। ये बियरिश इनगल्फिंग भी हुआ है, ये अगला दो दिन का कैंडल को ये इनगल्फ करके रखा है। तो इधर देख सकता है कि इधर तो ये थोड़ा सा नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टाइम स्पेंस में मतलब 5 दिन या 7 दिन या 15 दिन का आप लोग पकड़ेंगे तो ये अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है, अभी भी अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो क्योंकि इतना सारा जो इंडिकेटर्स है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, उसका जो दो इट इज स्टिल बिलो द लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स, बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म फॉर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स इट इज़ वेल अबव द शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स। तो और ये चैनल जो दिखा रहा है ये थोड़ा सा डाउन ही दिखा रहा है, क्योंकि ये चैनल जो है मतलब इसका एक मिनट, मैंने चार्ट को एक बार छोटा करने का कोशिश करता हूँ। ये चैनल का जो रेड लाइन आप लोग देख रहा है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म से ये दिखा रहा है, मतलब 3-4 महीना का ये दिखा रहा है। तो इसीलिए इसका अभी तक इसका ब्रेक नहीं हुआ, ये अभी भी इसका ट्रेंड डाउन में ही दिखा रहा है। तो ये जो और मैंने इस इधर से गान एंगल और फिबोनाची का लेवल्स भी मैंने ड्रॉ किया हूँ। तो इसका क्या दिखा था, इधर देखिए गान एंगल्स का जो इधर देखिए इस कैंडल का इस ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिखा रहा है तो इसका ऊपर है, ये ब्रेक किया है। ठीक है, इसको ब्रेक किया है और इधर तक आने का चांस था, ये ऑलमोस्ट इधर तक आ गया है, ये इसका एंगल को टच नहीं किया है, लेकिन इसका इधर रेजिस्ट ऑलमोस्ट टच किया है, रेजिस्टेंस इसका मतलब मिल गया, मतलब 9-7 टच करता था। तो इस ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो एंगल है इसका जो क्रॉसिंग है उसमें 9-7 दिखा रहा है, तो इसका पकड़ सकता है। आज ये 9-6 हाई गया था, मतलब ये मतलब ऑलमोस्ट इसको टच कर लिया है, तो उधर रेजिस्टेंस लेने का चांसेस है। उसका उस रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये 9-4 तक जा सकता है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो मेरा थोड़ा सा इसको
ऑन करता हूँ, नहीं तो इसका लेवल दिखाने से सबका प्रॉब्लम होता है। तो इधर इसके बाद इसका जो लेवल आएगा वो है 9862, ठीक है। उसके बाद इसका और भी मेरे को छोटा करना पड़ेगा इसका लेवल दिखाने के लिए। इसके बाद इसका लेवल आएगा 11,000 तक ये जाएगा नहीं, 10,550 के। ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरा 27 मार्च का वीडियोस देखिए और लास्ट सब वीडियोस निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियोस देखते रहिए, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। इसका देखिए फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है 9298, 9850, 10,402। ये 10,402 या 10,550 से रिट्रेसमेंट हो सकता है। मेरा जो व्यू है तो ये है कि ये 10,550 तक लास्ट तक जा सकता है, मेनली 9,700 का ऊपर जा सकता है, उसके बाद ही ये फिर से रिट्रेस होकर नीचे आएगा। और ये जितना सा गिरा था, मतलब इतना ये 12,430 से 7,511 जितना था जो डिफरेंस है, और ये जो अभी जो अपमेंट इसका है उधर से जब गिरना चालू करेगा तो उतना ही उतना पॉइंट हो गिरेगा फिर से। तो ये मेरा व्यू है, आप लोग देख सकता है इसका कितना मिलता जुलता है क्या नहीं है, मैं भी इसको देखूंगा। तो फिलहाल थोड़ा सा अप ट्रेंड है, बट रिवर्सल होने का तो आप लोग चिंता मतलब सोच भी आप लोग सोच छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल का कुछ पॉसिबिलिटीज़ बना नहीं है, रिवर्सल का कुछ मतलब कुछ बना नहीं है। तो ये जो है नीचे वाला जो लेवल है 896 मतलब 8925 में तो ये क्लोज दिया है, तो इसका 8924 में एक सपोर्ट दिखा, 8924 के नीचे 8744, ठीक है 8744। उसके बाद जो इसका लेवल्स दिखा रहा है आएगा, तो इसका से 8512 आएगा, ठीक है। और ये जो 9298 से 8512 ये बहुत ही मतलब 8512 बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक 8500 का नीचे एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद ये तोड़ेगा तो इसका जो लेवल आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, काम करता है इसको वीकली कर लेता है, ओनली कर लेता है। नीचे वाला जो लेवल दिखाता है इसका, तो इसका हाँ हाँ ये जो लेवल्स दिखा रहा है अभी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, तो इस बार हाँ 8489 का लेवल है, ठीक है। इसके बाद 8272, उसके बाद 7866, 7650 और 7511 के नीचे इसका जाएगा तो ये 7244 आ सकता है। उसके बाद ये जा सकता है 6228, 6238 तक आ सकता है इसका जो लेवल है 6339। उसके बाद ये 5574 इतना तक ये आसाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, उसका नीचे जाएगा तो 4300 तक भी आ सकता है, इसका आने का पोटेंशियल है। देखते हैं क्या हो सकता है, और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग 27 मार्च वाला मेरा वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। और मैंने अभी वाइसल लेवल्स देख के भी आप लोग को दिखा के भी आप लोग को दिखाऊंगा ये क्यों हो सकता है, इधर जो इधर कैसे इसका साइकिल में उठा है आप लोग को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। नेट थोड़ा सा रुक गया है, तो देखते हैं मंथली चार्ट तो से देखो ते हैं क्या हो सकता है।
95 बहुत पीछे चला गया मैंने। एक्चुअली जो 2008 में जो गिरा था, ठीक है, 2008 में जो गिरा था उसका बाद से ये 5 साइकिल में ऊपर उग गया है। हाँ तेरी इतना, एक मिनट मेरे को सब इसको ऑफ करने दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है, जैसे जो गया था वो 90 तक आ गया मैंने इसका। एक्चुअली 2008 से मैंने दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये जो 2008 से गिरा था उसका बाद से आप लोग जो मेरा जो व्यू है तो ये है कि इधर इधर देखिए, इधर से ये 5 वेव में ये ऊपर गया है। 5 वेव में आप इधर से ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, वेव 4 है और ये वेव 5 है। ठीक है, 12, 14, 27 तक। इसके बाद इसका करेक्शन वेव आया है, ये है वेव 1 का, ये वेव 1 का करेक्शन है मार्च महीने में जो गिरा है। ठीक है, मार्च महीने में जी इसका जो गिरावट आया है तो इधर इसके बाद ये वेव 1 है, वेव 1 का करेक्शन लेवल है फेब्रुअरी और मार्च महीने का। उसके बाद ये जो इसका इधर इधर जो थोड़ा सा इसके बाद इधर जो ऊपर गया है ये थोड़ा सा वेव भी चल रहा है, वेव भी ये इसका जो जितना सा रिट्रेसमेंट होगा ये वेव 1 का वेव 1 का ये 1.618% तक ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद से ये जो गिरावट आएगा वेव 1 का जो जितना सा गिरावट है वो जितना सोच दीजिए इधर से जाएगा तो इधर जो जितना गिरावट है ये पूरा आएगा नीचे। तो यही मेरा व्यू है। एनीवे तो उसके बाद मैंने मेरा फ्रेंड ने फिर से रिपीट किया और वो मेरा 27 मार्च वाला वीडियोस आप लोग ठीक से देख लीजिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। तो और ये है डेली चार्ट, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखता हूँ। डेली चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ, डेली चार्ट सॉरी वे निफ्टी का बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी एक लॉन्ग बॉडी बियरिश कैंडल बना है। लॉन्ग बॉडी सारे तो बियर बजाज फिनांस बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए ये लॉन्ग बॉडी एक सॉलिड बॉडी बियरिश कैंडल बना है। ये बियरिश एनगल, ये भी बियरिश एनगल्फिंग है। ठीक है, तो इसका जो इसका थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसका एक्चुअली आप लोग को और बैंक निफ्टी का भी ऐसा है कि ये 10,000-11,000 तक आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये 24,000 या 25,000 तक ऊपर जा सकता है। तो अभी आप लोग को दिखा दूंगा जो शॉर्ट टर्म जो मतलब डेली या वीकली का जो शॉर्ट टर्म जो है तो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसका थोड़ा सा इसको कर लेता है। हाँ, इसका जो है 19,000
19,390 का इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 19,689, उसके बाद 20,212, उसके बाद 20,511। आप लोग इसका लेवल पर नज़र रख सकते हैं, ये गैप अप और गैप डाउन होगा या इसका लेवल पे ऊपर ऊपर जा नीचे से ऊपर जाएगा, तो आप लोग उसका नज़र रख सकते हैं। नीचे वाला जो लेवल दिखाता है 19,390 का, नीचे तो क्लोज हुआ है 18,868, 18,579। ये गैप अप गैप डाउन होने से भी आप लोग इसका नेक्स्ट लेवल देख सकता है, और इसका नीचे इस इधर से सोच लीजिए थोड़ा सा ऊपर खुला है, उसके बाद आ गया 18,868 तक आ गया है, तो आप लोग 18,569 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके आप लोग कर ले सकते हैं। और इसके बाद इसका जो नीचे वाला और भी रेजिस्टेंस है, तो इसका देखने के लिए मेरे को थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा, चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकता है इधर भी थोड़ा सा जो नीचे वाला जो इंडिकेटर है अभी तक ऊपर ही दिखा रहा है, और निफ्टी में भी ऐसा ही है। तो इसका जो लेवल्स है, अरे यार इसका लेवल्स कहाँ चला गया, एनीवे आप लोग को ये लेवल्स बोल देता हूँ। तो इधर इधर जो लेवल्स है इसका 16,18,500 कितना तक देखा था, 18,500, उसके बाद 16,356, 15,463, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर से इसका फ्यूचर भी एक बार आप लोग को दिखा दूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद बाई सेल लेवल्स दिखा के आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ये क्या क्या इसका क्या कौन सा लेवल पे है, इसका मूवमेंट क्या हो सकता है। तो इसका देखिए एप्रिल फ्यूचर का भी एक सॉलिड बॉडी बियरिश कैंडल बना है, अगला दो कैंडल को ये एंगल करके रखा है, ठीक है। तो इसका जो लेवल्स आएगा, इसका जो नीचे वाला लेवल्स दिख रहा है, तो ये है 8,463, ठीक है, 8,463 के बाद ये भी थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी भी इसको अप ट्रेंड में ही कहा जा सकता है। तो इसका जो इसके ऊपर वाला जो लेवल्स है इसका, ये 9,800 का ऊपर 9,833 है, उसके बाद 10,175, उसके बाद 10,437, और इधर 8,443, उसके बाद 7,765, उसके बाद 7,525, उसके बाद और भी नीचे आ सकता है। और बैंक निफ्टी का, सॉरी हाँ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर देख लेता है एक बार। हाँ बैंक निफ्टी देखिए, ये भी 19,864, सॉरी 19,084, उसके बाद इसका सपोर्ट मिलेगा 16,000 में, इसका सपोर्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस है 21,630, उसके बाद 23,430, उसके बाद 25,687, उसके बाद 26,523, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, उसके बाद निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो जो है, निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस करूंगा, तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है, निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 0.88 है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 9,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और बुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 8,500 में, ठीक है। तो इधर सपोर्ट बन गया है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है,
और इधर पुट साइड में सॉरी इधर शॉर्ट बिल्ड कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है और पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है। तो और इधर एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है अगला दिन से थोड़ा सा बढ़ गया है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो इधर से ज़्यादा मूवमेंट लेकिन मूवमेंट वोलेट फ्लक्चुएशन ज़्यादा वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, लेकिन इधर मूवमेंट थोड़ा सा साइडवेज दिखाने का कोशिश करेगा क्योंकि दोनों साइड में ही शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है। और हम ये आईवी के साथ और ऑप्शन चेन क्या लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग एंडिंग शॉर्ट एंडिंग ऑप्शन चेन कैसे आप लोग मेरा ट्रेनिंग ले सकता है, इसमें आप लोग मेरा ये चार्ट का सेटअप्स देख सकता है और जो बाई सेल लेवल्स गाने एंगल फिबोनाची लेवल्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वोलेटिलिटी बेस्ड वो आप लोग को देख सकता है, ऑप्शन चेन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी आप लोग को देख सकता है। तो इधर देखिए और इधर से ये जो इधर एट द मनी में जो है हुआ है तो ये भी शॉर्ट दोनों साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये नीचे जाने का ये मानो ऊपर जाने का या नीचे जाने का ये प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा लेकिन इसका मूवमेंट ज़्यादा इधर प्रोबेबिलिटी मैंने अलग से दिखाऊंगा ठीक है, उसके लिए अलग कैलकुलेशन है। तो इधर से जो कंफर्म हुआ ये साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा लेकिन चार्ट से जो चार्ट अभी तक अप ट्रेंड में है लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन में मतलब एक दिन या दो दिन में थोड़ा सा नीचे आ सकता है, या एक दिन का कुछ सेशन में फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ या थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन में कुछ नीचे दिखाने का कोशिश करेगा एनीवे। और इसके बाद बैंक निफ्टी का जो दिखता हूँ बैंक निफ्टी का जो दिखता है बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का ये पीसीआर रेशियो हुआ है 0.69 0.69 जब पीसीआर रेशियो वो सब उसका किससे कैसा मतलब रिलेशन है, जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाता है पीसीआर रेशियो डाउन हो जाता है और शॉर्ट बिल्डअप होता है तो क्या होता है इसमें मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। तो इधर 20,500 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर रेजिस्टेंस बना है और 18,500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप है और इधर सॉरी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है पुट साइड में, दोनों साइड में ही शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तो इधर थोड़ा सा मतलब साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा लेकिन नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इधर प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन आप लोग को दिखाना चाहूँगा। तो उधर से भी थोड़ा सा मार्केट कहाँ पर जा सकता है एक आइडिया मिल सकता है। जो 8,500 और 8,900 में देखिए इसका प्रोबेबिलिटी 3.63% और 3.59% मतलब एक दिन का हिसाब से मैंने पकड़ा हूँ ठीक है एक्सपायरी का। तो इसका क्या दिखा रहा है थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसको मैंने 9,300 कर लूँगा क्योंकि 9,300 का में एक रेजिस्टेंस है। तो इसका क्या दिखा रहा है आप लोग देखिए, एक मिनट प्रोसेसिंग होने से थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा चलती बार दसो पाओगे तेरी की रुक जा रहा। इसका भी देख पा रहा है वो मेरा फाइल अटक गया है, तो इसका जब इफेक्ट आएगा तो हम लोग को दिखाऊंगा कि इधर 9,300 में जब 9,500 में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा स्लाइड अप दिखा रहा है लेकिन 9,300 जब कर लूँगा तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो आने दीजिए इसका इफेक्ट लेने दीजिए, तो इसीलिए आप लोग को पता चलेगा कि ये अप मूवमेंट का ज़्यादा दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है इसीलिए बैंक निफ्टी का वजह से ये निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन निफ्टी का अभी थोड़ा सा ज़्यादा अप ट्रेंड देखिए,
इधर जब यह है तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसका इसका मतलब यही हो सकता है कि ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इसको और भी थोड़ा सा नज़दीक लेकर आऊँ तो 8700 कर देता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी इसका भारी देता है, मतलब ये साइडवेज मोमेंटम भी दिखा सकता है। 8700 का मैं प्रोबेबिलिटी इसका आ सकता है, या इसको 9400 करूँगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कम जाता है। तो मतलब लेकिन 9200 में इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखेगा। तो मतलब आप लोग सोच सकते हैं थोड़ा सा टावर वावर चलेगा, लेकिन अप ट्रेंड में ज़्यादा है इसका। और बैंक निफ्टी का तो नीचे ही ट्रेंड है, 20,000, 20,500 और 18,500 इसका आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी नीचे ही ज़्यादा दिख रहा है। इधर मैं 20,000 भी कर दूंगा तो इसका क्या सेम ही रह जाता है, इसका कुछ चेंज नहीं होता है। इसका 19,000 कर दूंगा, 19,000 तो है ही इसका, 18,500 इसका 18,500 ही रहने चाहिए, क्योंकि 18,500 तो बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो इसीलिए इधर से आप लोग को इसीलिए मैंने किया हूँ कि ट्रेंड को आप लोग को एक गेस देना है। और इधर से टाइम फ्रेस को तो नहीं, और हाँ 360 एनालिसिस से आप लोग को भी देखिए एक्सप्लेन करने का चाहता हूँ। तो देखिए आप लोग मेरा जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि इधर मैंने बोला था ये थर्ड साइकिल अभी चल रहा है। ये थर्ड साइकिल में इसका क्या होता है, ये 9200 का ऊपर, ये देखिए एग्जैक्टली आज 9261 का इसका हाई मारा है, ठीक है, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी इसका ऊपर का लेवल ये है। ये 9000 से कंप्लीट करेगा तो 9700 तक आ सकता है, नहीं तो थोड़ा सा रिटेस्ट होगा तो ये 8600 या 7886 तक ये जाने का प्रॉबिलिटी है। और 7500 का गया रहा तो मतलब हो गया, तो मतलब इसका ये मान चलेगा कि वेब बी जो चल रहा है उसका ख़त्म हो गया, वेब सी चालू हो गया। 7500 का 11 का जब नीचे चला आएगा तो उस समझ जाएगा कि उसका वेब बी, मैंने जो वेब का बात कर रहा था तो 7511 का नीचे समझ जाएगा कि वेब बी ख़त्म हो गया, उसका वेब सी चालू हो गया। तो इधर देखते हैं इसका, और इधर देखिए जो अपसाइड में कुछ बना नहीं है, और इधर 20,184 एक हाई मारा था, मतलब ये कंप्लीट हुआ है, डिग्री कंप्लीट हुआ है, 20,950 तक आ सकता है। और इधर नीचे ये इस मतलब थोड़ा सा नीचे ये क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, तो इधर ये दोनों का बीच में ये क्लोजिंग हुआ है, तो इसका अंदर ही मतलब ये साइकिल पकड़ के ये चल रहा है। और भी बहुत सारा लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, ये दिखाने का मतलब ये है आप लोग बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके चल सकता है, और कुछ भी लेवल्स नहीं मैच करेगा तो आप लोग जरूर मेरे को फीडबैक दे सकता है। तो देखिए इधर से जो लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, तो बाइसल लेवल्स तो मैंने बाद में दिखाऊंगा, बाइसल लेवल्स मतलब वो भी ये सभी बाइसल लेवल्स हैं, लेकिन कुछ नाम दिया है कि बाइसल लेवल 1 2 3 वो सब बाद में दिखाऊंगा, गान का एंगल्स भी बाद में दिखाऊंगा। अब जो मतलब ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए अब जितना ज़रूरत होता है वही दिखाना दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इधर देखिए ये सब लेवल मैंने बाद में दिखाऊंगा, ये अभी 360 एनालिसिस को मैंने दिखाता हूँ। तो देखिए इधर 8984 के ऊपर ये इसका ये साइकिल चलेगा, ठीक है, फर्स्ट साइकिल अपसाइड, ठीक है, और ये फर्स्ट साइकिल डाउन साइड में ये नीचे इतना सब अभी तो ये लेवल पे है, इस लेवल पे है, तो इस लेवल तक आ सकता है इसका 8344 इतना तक ये आ सकता है, नहीं तो ऊपर जाएगा तो फिर से ये इधर से मतलब 8984 के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका 9317 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसके बाद इसका 9539 ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद ये 9761 तक जा सकता है। तो ये देखिए ये इसका डाटा जो है ये डेली का डाटा है, ठीक है, एंड ऑफ द डे डेली का डाटा है, मतलब वन डे का डाटा है, तो इसका ऐसे लेवल दिख रहा है। और इधर इसके बाद सेकंड साइकिल में ये इतना दूर तक जा सकता है अपसाइड में और डाउन साइड में, आप लोग नोट कर सकता है। और इधर थर्ड फर्स्ट इधर भी आप लोग नोट कर सकता है, और ये जो नंबर वाइब्रेशन है ये इसका भी नोट कर सकता है, ये बाद में दिखाऊंगा, ये अभी ज़रूरत नहीं है। तो इधर मैंने वो जब बाइसल लेवल दिखाऊंगा तो उस टाइम आप लोग को दिखा दूंगा। तो इधर का जो लेवल है वो दिखा देता हूँ, ये जो फिबोनाची का
जो मल्टीपल टाइम है, 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 3 डेज का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से और 1 डेज का हिसाब से, उसके बाद 30 डेज का हिसाब से और 15 डेज का हिसाब से, 1 ईयर का हिसाब से जो लेवल्स आए, और जो CPR और पिवट पॉइंट का जो मल्टीपल टाइम फ्रेम है इसका जो लेवल है ये आप लोग नोट कर सकता है। क्यों नोट कर सकता है? क्योंकि ये इसका जो जो कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम में कुछ लेवल ब्रेक होता है तो इसका मूवमेंट उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहता है, अच्छा मूवमेंट मिलता है। और ये जो फिबोनाची का लेवल्स है वोलेटिलिटी बेस्ड, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। और इसका जो ये गन एंगल्स का जो लेवल्स है, ये R1 R2 का जो इस कॉलम में जो है वो आप लोग नोट कर सकता है। तो इसका भी लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा। और ये जो इधर गन एंगल्स का सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये गन एंगल्स का सपोर्ट लेवल है और ये गन डिग्रीज का लेवल्स है, ये भी वोलेटिलिटी बेस्ड है, ठीक है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है। ये आप लोग भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन होंगे तो आप लोग को आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह। और आप लोग देख सकते हैं ये कितना शानदार तरीक़े से ये मैच करता है। आप लोग लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ और अगला दिन का फाइल भी दिखाता हूँ। आप लोग खुद भी अगला दिन का जो बाय सेल लेवल्स वगैरह जो फाइल मैंने देता हूँ लास्ट बोल, आप लोग बैक टेस्ट कीजिए जितना सा पीछे डेट से आप लोग बैक टेस्ट कर सकता है। और ये भी लेवल आप लोग नोट कर सकता है, इसका भी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, ठीक है, वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स, ये भी एक अच्छा लेवल है। और इधर से मैंने कुछ लेवल्स आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ये है इस लेवल आप लोग को वेबसाइट में इस लेवल मिलेगा, ये जो लेवल है आप लोग को वेबसाइट में भी मिलेगा। लेकिन और भी जो दिखाता हूँ वो आप सबको, आप लोग कुछ भी आज का क्लोजिंग प्राइस बैठा दीजिए तो आप लोग को गान का, आप लोग बहुत सारा गान एंगल गान डिग्री का मिले, आप लोग बिल्कुल इसी तरह आप लोग बाय सेल रिकमेंडेशन जो है आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। और इधर जो रेजिस्टेंस है वो आप लोग देख सकता है, ये भी नोट कर सकता है। और ये है कैमरेले का कैलकुलेशन, इसका भी आप लोग देख सकता है, H1 H2 से जो है ये कैमरेले का कैलकुलेशन है। और इधर जो मेरा जो इसका जो दिखाने का जो इरादा है, ये जो फिबोनाची 2 रेंज जो है तो इसका ये मेरा जो मेरा अलग सा रिसर्च है, कौन वेबसाइट में क्या दिखा रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फिबोनाची ये आप लोग इसका मेरा इम्पोर्टेंस मेरे पास ज़्यादा है। तो फिबोनाची का जो 2 रेंज मतलब आज का जो 2 रेंज है वो आप लोग देख लीजिए, फिबोनाची का रेंज ये आप लोग के पास इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद ये इसका लेवल देखना नहीं है क्योंकि ये 7 डेज का रेंज है। और ATR 14 ये जो लेवल है अभी जो बाय एंट्री दिखा रहा है इसका कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए, इसका T1 T2 और इधर S1 S2 जो है इसका जो लेवल है, क्योंकि ATR 14 बेस्ट ATR 14 पीरियड का ATR बेस्ट लेवल्स है। और इसका देखना नहीं है, इसका देखना नहीं है और क्योंकि और ये जो गन एंगल का 2 रेंज बेस्ट गन एंगल्स बेस्ट ऑन 2 रेंज ये आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा। और इधर जो गन बेस्ट ATR 14 का लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ये है गन डिग्रीज का लेवल्स, ये स्टैंडर्ड डिविजन बेस्ट लेवल्स है, सॉरी 2 रेंज का बेस्ट लेवल्स है, ये इम्पोर्टेंट है। और इधर ATR 14 बेस्ट लेवल्स है, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इधर क्या दिखा रहा है आप लोग देख सकते हैं, इधर जो लेवल्स है तो देखिए इधर 8953 मतलब इसका नज़दीक रहता है, तो मतलब इसका इधर से आप लोग एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि इधर ये अप ट्रेंड में है और इसके लेवल में अभी ये यही एंगल पकड़ के ये चलेगा, यही मतलब साइकिल पकड़ के ये चलने का चांसेस इसका ज़्यादा है। और इधर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आप लोग छोड़ सकते हैं, ज़्यादा जो लोग का मतलब लॉन्ग टर्म व्यू चाहता है और इंडिया विक्स का लेवल इसका हिसाब से ये इसी तरह बॉटम आउट होगा, ठीक है, इसी तरह से ये बॉटम आउट होगा। और ये जो लेवल है ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि ये ऑन ऑन डेली कास्ट, सॉरी ये नहीं, ये 30 डेज का है, ये जो लेवल्स है ये जो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन डेली चार्ट का हिसाब से ये दिखा रहा है। एनीवे तो आप लोग देख सकते हैं और इधर आप लोग टाइम प्राइस स्क्वायर भी देख सकता है, ये ईयरली गन डेट्स है, ठीक है,
इधर जो दृश्य आप लोग को दिखाएगा, ये आप लोग मतलब ये जो कैलकुलेशन है, ये जो देखिए मैंने ये जो डेट दिखा था जब मैंने कैलकुलेट किया था उस टाइम डेट को कैलकुलेट किया था, ये जो 17 दिन 27 दिन या 52 दिन 85 डेज ये जो दिखा रहा है आप लोग, जो 12 या 4 जो टॉप या जब बॉटम आउट हुआ था उसी डेट का दोनों दोनों डेट से आप लोग इसे मतलब काउंट कर सकते हैं, तो आप लोग को ये डेट्स मिल जाएगा। तो इधर से भी आप लोग को ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है इसका कितना कितने टाइम में चेंज हो सकता है कल, ये वीकली वीकली का डेट है, ठीक है, ये वीकली डेट्स है गन टाइम प्राइस स्क्वायर। आप लोग को ये स्कैच शॉप सिखा दूंगा गन टाइम प्राइस स्क्वायर कैसे मतलब गन टाइम प्राइस स्क्वायर मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका आप लोग देखिए, और इसका आप लोग ट्रेनिंग सेशन में अटेंड हो जाइए, तो इसमें बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज़ आप लोग को एनालिसिस करने के लिए मिल जाएगा, और मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा, और आप लोग का सपोर्ट भी आप लोग को जरूर दूंगा आफ्टर ट्रेनिंग। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मैंने 22 लेवल बाद में दिखाऊंगा, थैंक यू।